जोड़ियां ऊपर वाले ही बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जोड़ियां होती हैं जो मिसाल बन जाती हैं और कुछ अपने सिर पर कलंक ले जाती हैं। सात फेरे, सात जन्मों तक साथ साथ रहने की कस्में खाने वाले मनमुटाव के चलते एक दूसरे की जान तक ले जाते हैं। ऐसा ही एक यह सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में घटी। मलवाहा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सत्तापुर मजरा बरोना निवासी आशिक हुसैन की पत्नी ने ईंट से सिर वार कर अपने पति की हत्या कर दी। बुधवार लोगों ने उसके घर से बाहर उसका शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर उसके पास से आला कतल ईंट बरामद की है। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात मलावा कोतवाली क्षेत्र में हुई। मृतक के भाई राहत हुसैन के मुताबिक उसके मृतक भाई की पत्नी का मायका उन्नाव जनपद के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के ग्राम जोगी कोट में है। आरोप है कि शादी के बाद से महिला अधिकांश समय अपने मायके में ही रहती थी। मुहर्रम से तीन दिन पहले नूरी अपनी ससुराल आई थी और इसके बाद से पति के साथ लगातार उसका विवाद हो रहा था। बुधवार सुबह लोगों ने आशिक हुसैन का शव घर से बाहर पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी तो उनको मृतक की पत्नी पर संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। मृतक के सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई को चारपाई से बांधकर उसके सर पर ईंट से वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में मृतक की पत्नी को पुलिस ने आला कतल ईंट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ज्ञानंगे सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। महिला द्वारा अपने ही पति की निर्मम हत्या करने से गाँव में सनसनी मची है। लोग इसे अवैध संबंध से जोड़ देख रहे हैं। ये सुल्तानपुर मजरा बरौना जो मल्लामा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से एक रात में सूचना मिली। राहत हुसैन नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके भाई की कुछ अज्ञात लोगों ने मार करके हत्या कर दी और डेड बॉडी घर के बाहर पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल फोर्स मौके पर गए, इंस्पेक्टर मौके पर गए, सीओ साहब मौके पर गए और वहाँ पर जा करके मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ और गहन पूछताछ और तरीके से पूछताछ के बाद ये पता चला कि मृतक जो की हत्या उसकी पत्नी नूरी ने ही की थी और नूरी की निशानदेही पर वहाँ पे आला कतल ईंट बरामद हुई है। इसके लिए नूरी ने प्री प्लान किया हुआ था, रात में ही उसको नींद की गोलियाँ देकर के सुला दिया था और बाद में सोते समय उसको बात करके ईंट से कुछ मार करके उसकी हत्या कर दी। जिस ईंट से हत्या हुई है वो बरामद हो गई है और जिस चारपाई पर हत्या हुई थी उस पर निवाड़ वाड़ जिसमें खून लगा था, जिसको नूरी ने छुपा दिया था, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। वजह क्या है? पत्नी और पति में आपसी मनमुटाव किसी बात को लेकर के था और जिसके नाते पत्नी ने इस तरह का कृत्य किया। कोई अवैध संबंधों को लेकर भी कोई मामला है? पूरे चीज़ की तफ्तीश की जा रही है, जो भी साक्ष्य आएंगे उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। घटना ये हुई सर, हमने जब औरत निकली बाहर साफ करने के रेदासन की, वो देखा, जब वो देखा मिट्टी पड़ी हुई तो इधर उधर मोहल्ला टोले में बुलाया तो फिर वहाँ भानवा निकले देखने के लिए, दूसरे आदमी बुलाया तो हमने उठे, हम देखा जो हमारा भाई देखा मरा हुआ, तब हम गांव वालों को इकट्ठा किया, फिर 100 नंबर को निकाल लिया। अच्छा, तो क्या हत्या की गई है, क्या मामला है? सर ये तो हत्या की गई है। किसने हत्या की है? हत्या इनकी पत्नी ने किया। कौन तुम्हारे वो थे? वो वहाँ सगा भाई था। क्या नाम था? आतिक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।